एक कहावत है ना कि जहाँ चाह वहाँ रह। अगर आपकी चाहत मंजिल तक पहुँचने की है तो आप जरूर पहुँच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा मिश्रा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे लड़की की कहानी आपको बताऊंगी जो आपको अच्छी लगे तो आप सैल्यूट जरूर कीजिएगा। पश्चिम बंगाल का एक लड़का है संजय रविदास, जिसके ऊपर से पिता का साया भी उठ चुका है और उसके ऊपर उसके घर का सारा बोझ है। दिन भर पॉलिश करता है, रात में पढ़ाई करता है। 11वीं क्लास का छात्र है वो और अपने स्कूल का टॉपर बना है। 500 में 465 अंक लाकर यानी 93% लाकर वो अपने स्कूल का टॉपर बन गया। ऐसे लड़की को तो दिल से सलाम करना ही चाहिए, क्योंकि उसका सपना है जो वो IAS बनना चाहता है और शायद उसकी मेहनत रंग लाए और वो बन भी जाए। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा पाकर अच्छे से अच्छे पद पर जाएं। लेकिन आपको क्या पता है, सभी बच्चे ऐसा कर पाते हैं? जो अच्छे घर से होते हैं, माता पिता खून पसीना बहाकर पैसे लाते हैं और खुद अपनी इच्छा को मार कर अपने बच्चे को देते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें और उनसे आगे उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन कुछ बच्चे तो करके निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अयासी में अपने पैसे को डुबा देते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, उन्हें लगता है कि लाइफ ही रुक गई है। दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ, माता पिता आपको किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सब करते हैं, तो आप उन्हें जाया ना जाने दें, क्योंकि ये सब करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये सब करके आप अपने माता पिता को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को धोखा ना दें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आप उस संजय रविदास से सीखें, वो लड़का अपने घर का सारा बोझ उठाकर भी रात में पढ़ाई करता है, दिन में जूता पॉलिश करता है और वो IAS बनने का एक ख्वाब देखता है। और अगर ऐसी स्थिति में वो लड़का IAS बनने का ख्वाब देख रहा है तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप कर सकते हैं और करिए। खुद को ठगिए मत, क्योंकि खुद को ठग के अपनी ज़िंदगी को आप नरक बना रहे हैं। आपके माता पिता आज हैं, माता पिता हर औलाद के सामने झुक जाते हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे अपने लाइन पे आ जाएं, लेकिन क्या औलाद ऐसा सोचते हैं? नहीं। बात बात पर झूठ बोलना, बात बात पर पैसे लेना, बात बात पर ठगना, अपने माता पिता को ठग कर खुद को ठगते हैं और उनके माता पिता इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनकी बातों में आकर हर झूठ को जानते हुए भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्हें रहने के लिए सानो शौकत जद्दोजहद जितने चीज़ होते हैं सब कुछ देते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, शायद हमारे बच्चे सुधर जाएं। लेकिन बच्चे अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सपने को साकार करके निकल जाते हैं और कुछ बच्चे खुद को ठगते ज़िंदगी पूरी बिता देते हैं, फिर बाद में कहते हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनकी शादी कर देते हैं, क्योंकि वो भी लास्ट में थक हार जाते हैं। फिर जब उनकी शादी की जिम्मेवारी और बाल बच्चों की जिम्मेवारी आती है तब उन्हें अक्ल आती है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावे होत क्या चिड़िया चुग गई खेत जब, अब पछताने से क्या होगा। अब आप अपने परिवार बच्चों को संभालिए और फिर बोलिए हम तो जनरल हैं, जनरल वालों को नौकरी मिलती कहाँ है, अरे आप पढ़ाई करते कहाँ हैं, आप तो इंजॉय किए पूरे लाइफ को, जनरल वाली भाषा आप सामने लाते हैं, तो ये गलत है। टैलेंट कभी मरता नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो थोड़ा सा अपना प्यार देकर कमेंट में मैंने क्या गलत बातें इसमें बोली हैं और क्या सही है। धन्यवाद दोस्तों।